हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवताओं का जरूर होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। जैसे सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना का महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करने पर व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफी माना गया है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने से क्या क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आप लाभ जान लीजिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिव जी को अर्घ देने से सभी तरह की मनोकामना जल्द पूरी होती है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियां, संकट, रुके हुए काम आपको शिवलिंग पर सोमवार को जल चढ़ाने से इन सब से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये सारे काम होने लगते हैं। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं ये भी जान लीजिए। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने में आप हमेशा आगे रहते हैं। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या लाभ हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। इसलिए आपको जल्दी विवाह करना है या विवाह में सुख शांति भरा जीवन बिताना है तो आपको बुधवार के दिन शिव जी को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के क्या फायदे होते हैं हम आपको बता देते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं और घर में होने वाली सभी कलेशों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आपको शुक्रवार के दिन भोलेनाथ पर जरूर जल चढ़ाना चाहिए। शनिवार का दिन भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए बेहद विशेष बताया गया है। जी हाँ, शनिवार के दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं ये सुन लीजिए। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं? आपको बता दें कि रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और इसके अलावा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। साथ में घर में धन धान की कोई कमी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो घर में सुख समृद्धि, धन धान, वैवाहिक जीवन में अच्छे फल और आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। आपको शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाना है और भोलेनाथ निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।